Oh shit. आपको पता है ये डिवाइडर रेड एंड येलो क्यों है? क्योंकि ये आर्मी का एरिया है, सो यहाँ के डिवाइडर का कलर रेड एंड येलो है। गेस कर सकते हो कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, लेकिन एक तीव्र इच्छा हुई है वड़ा पाव खाने की। अभी देखते हैं, अगर वो वड़ा पाव मिलता है तो विल हैव समथिंग टू ईट। और आप बस इस रोड को एंजॉय करो। जो व्यू है वो सिंहगढ़ किले के देख सकते हो। बारिश तो भयानक वाली आने ही वाली है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं। पूरा पहाड़ का एरिया है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। पूरा पहाड़ का एरिया है और ये पीछे एकदम अच्छा सा बैकग्राउंड है। तो वाला लोकेशन बहुत ही जोरदार वाला पवन है अभी, और आपको पूरा व्यू तो दिख ही रहा होगा। ये हमारी गाड़ी, और गाइस एक बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया। एक्चुअली में हम कैमरा तो लेके आए, लेकिन मेमोरी कार्ड तो भूल ही गए हैं। लेकिन आपको व्यूज की कमी नहीं मिलेगी, व्यूज आपको अच्छे से मिलेंगे। बैकअप कैमरा है तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला का रिजल्ट इतना अच्छा दिख रहा है वो मेरे को आज ही पता चला है।
बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। अब पूरा देखो व्यू, अभी हम थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट वी आर फाइंडिंग। जैसे ही ट्रैक करते जाएंगे तो यहाँ पे कुछ काफी सारे लोग आए हैं, मतलब दो तीन गाड़ियां आई है ट्रैकिंग के लिए, लेकिन वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड। आप पवन तो देख ही रहे होगे, जोरदार वाला पवन आ रहा है और अभी देखते हैं आगे जाके क्या है क्या नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो है व्यू, और व्यूज आपको अच्छे मिलने चाहिए। ये पूरा मेडो देख सकते हो, उसको हिंदी में क्या बोलते वो नहीं पता है मेरे को, लेकिन बिलाड़ी का टोप बोलते हो उतना पता है। जगह नहीं है, रास्ता नहीं आगे, ये तो सही रास्ता कहाँ है? वो लोग थोड़ी गायब हो गए, जो लोग आए थे ये है ना, कौन इस साइड से ऊपर जाने के, कहाँ ये वाले साइड से जाना, चलना 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 ये ना मुंह मेरे को कुछ ना कुछ अलग वाला एडवेंचर करवाती रहती है। ओहो हो, फ्लावर कितने सारे हैं और इतने अच्छे, बहुत ही जबरदस्त है। अभी क्या हुआ, वो फ्लावर्स तो बहुत ही जोरदार है। अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये आई थिंक पॉइंट है, आपको थोड़ा ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ, बाकी ये पॉइंट है और यहाँ से आपको आप यहाँ से चलो। नम्मू थक गई है, चलो यहाँ पे पवन इतना जोरों से चल रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पवन कैसे, लेकिन In the mood of beauty we are into, a pure and natural अभी हम देखेंगे कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बस मन तो ऐसा करता है कि इतना मस्त पवन में बस बैठे रहे, एकदम चिल करते रहे। आप यहाँ पे अगर पूरा व्यू देखोगे ना तो, और जो पवन आ रहा है और छोटी छोटी जो बारिश की बूंदे आ रही है वो माहौल को बहुत ही जबरदस्त कर रही है। बट दिस इज समथिंग विच वी वॉन्ट इन अवर लाइफ, ये नेचुरल चीजें जो है वो पूरा मजा दे। जब आपको अभी पैरों की तो वाट लगी हुई है, लेकिन
ओहो, क्या पवन आ रहा है यार। भाई आई नहीं हूँ यार कि कैमरा थोड़ा स्टेबल नहीं रह पा रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पवन है। ऐसे ऐसे मौसम में अगर ट्रैकिंग करना हो तो कोई प्रॉब्लम चीज़ नहीं है। अभी जितना चढ़े हो उतना उतरना का भी है। चलो ऊपर थोड़ा जाते हैं, आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ बड़ा वाला। ओ गॉड, ओ गॉड, ये व्यू। वन मिनट, ये व्यू अगर आप देखोगे ना, आई नो पूरा थोड़ा बहुत काला काला दिख रहा है, लेकिन गाइस जोरदार व्यू है, बहुत ही सख्त व्यू है। आजू बाजू बस माउंटेन्स है और ग्रीनरी। ये जंगल है जहाँ से हम आए हैं, और ये पूरा ट्रेल। यहाँ से मैं जो भी बोल रहा था वो हवा के झोंकों की वजह से कैमरा तक तो नहीं पहुँच रहा था, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो ये पूरा पैनोरामिक व्यू जो है वो इतना फर्स्ट क्लास व्यू दिख रहा था, और बारिश की बूंदे और ये पूरी ग्रीनरी, दिस इज़ समथिंग विच यू वांट। ऐसे लेने का। तो अभी हम एकदम बीच घास की चादरों के बीच अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, और बारिश भी हो रही है। पड़ेंगे, अरे वहाँ से नहीं जा सकते हम। कहाँ? वहाँ से कहाँ से जाएंगे? जाएंगे ना, काशी है। बहुत ही ज्यादा एडवेंचर है। बंद कर दिया। ओके चालू है। पहले ही कास में ही चले थे। अभी यहाँ से उतर जा। अरे यहाँ से क्यों, यहाँ से चल, इतना क्यों बम बम खींचने का? अरे पर यहाँ से चलो ना। तो अभी हम यहाँ पे मिड ऑफ द वे में रुके हैं। ये पीछे देख सकते हो आप पूरा व्यू है, और मैं आपको एक अच्छा वाला व्यू थोड़ा ऊपर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि शुरुआत यहाँ से करते और यहाँ से करते 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 एक अच्छा सा व्यू आपको दिखाते। पूरा व्यू देखो आप, पूरी खाई है और पूरा पर्वत है आजू बाजू का, आप देख सकते हो। वहाँ पे बीच जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोबाइल का लेंस है लेकिन बहुत ही सख्त वाला है, आप अच्छे से देख पा रहे हो। और ये है बेंगलोर पुणे हाईवे। सो फाइनली मिल गई है मेरी फेवरेट वड़ा पाव और मिर्ची, मत जाने लाइफ। Thank you.
ऐसे ही मस्ती के साथ मानसून मनाते मनाते और आजू बाजू की पूरी नेगेटिविटी को मिटाते मिटाते इसी